जो भी आते हैं रेवरी वे से आप नारेक्स पे आओ भाई, जो कोई भी सऊदी अरब से वॉच करता उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है ये। इधर सही बात, किसी का भरोसा इधर ना जीना। अभी क्या है, सिविल ड्रेस में रुके हुए कहीं पर भी रुक रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग खैरियत से होंगे। जो कोई भी मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है इंशाल्लाह दिल से शुक्रिया उसका, और जो नया वॉच कर रहा मेरे चैनल में आके, आपके स्क्रीन पर जो है हर ब्लॉग्स चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और इंस्टा आईडी को फॉलो कर लो मेरे, जरूर फॉलो करो, बगैर फॉलो करे मत जाओ। और कल का अगर वीडियो नहीं देखे जॉब्स के बारे में, जो अपडेट किया हूँ जॉब्स के बारे में डाल के, आप लोग कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे रहेगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा देखो, तो उस चीज में मैसेज करो ठीक है। तो मैडम को जो है वहां से, यानी कफील की लड़की को ला लिया कॉलेज से, लाने के बाद जो है बहुत काम था आज, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। जो अभी जो बता रहा हूँ, जो इंट्रो दे रहा हूँ वो था वीडियो, क्योंकि मैं मोबाइल चेंज किया, मोबाइल चेंज करने से वो वीडियो चले गया, इसलिए फिर वापस से बना रहा हूँ ये। आगे आएगा देखो, ये सवेरे का अब्दुल्ला सिटी बता रहा हूँ इस व्यू आप लोगों को इधर का, सऊदी अरब का। देखो जहाँ पे कैमरा नहीं है मैं हाथ में पकड़ के मोबाइल बता सकता हूँ, नहीं तो जो है कैमरा जो है स्टैंड में ही लगाना पड़ेगा मोबाइल का। देखो ये कितना व्यू जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये आसमान में और ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा दिखता है। और ज़्यादा ओस पड़ी ना, यानी शबनम पड़ी तो ये पूरा बिल्डिंग छुप जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आता ठीक है, देख लिए। हाँ देखो गाइस अभी बिरयानी है और ये ग्रेवी, बिरयानी पीसेस इसके अंदर रखता है, नहीं ये होटल पे आया अभी खाने के लिए बैठा हूँ ठीक है। दोपहर में देखो इतनी भीड़ है, कुछ हाई नहीं ठीक है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में खा लेके। तो गाइस आप लोग देखते रहो मेरा वीडियो कंटिन्यू। आज की इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताऊंगा कि सलमान रोड में कल एक चीज हो गया था खाना पीने के साथ 18 गाइस कल क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया था कल, एक मैडम के साथ सलमान रोड पे गया था। सलमान रोड पे जाने से सिविल ड्रेस में बहुत लोग खड़े हैं अभी फिलहाल सऊदी अरब में, ड्रेस पहन के नहीं, यानी पुलिस का जो ड्रेस है वो पहन के कोई भी नहीं रहे, ऐसा ही रुका है। तो फोटो मार रहा था, किस चीज का फोटो मार रहा था, ये जरूरी वीडियो है भाई, जो कोई भी सऊदी अरब से वॉच करता उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है ये। देखो हम लोग डायरी पे जब जा रहे, 1, 2, 3, 4 रोड है ना हमारा, वो उस 4 रोड में, 4 रोड जो नजर आ रहा आप लोगों को, वो जो येलो लाइन है, पहले क्या था हम लोग ये मीन ये सारे कुछ भी ले लेते थे, ऐसा कुछ भी टेंशन भी नहीं था। अभी क्या है, सिविल ड्रेस में रुके हुए कहीं पर भी रुक रहे, अभी बोल नहीं सकते इस चीज के बारे में। तो वो फोटो ले रहा, मैं उसको रुका के जाके पूछा यश भी आधा करके, तो बोल रहा मेरे को उल्टा तू कौन है, यश दखलंदा, वो पूछ रहा उल्टा मेरे को, बोला मैं उसको चुप ऐसा ही बोला, मैं नया आदमी थोड़ा बोल भाई क्या है ये करके बोला, तो खलास रो करके बोला। तो बाद वो सऊदी था, सऊदी मेरे को बताया उधर पे था कोई अच्छा आदमी, तो भाई अभी 300 रियाल मुखलफा है येलो लाइन, अगर समझो राइट हम लोग आ रहे, राइट आके इंडिकेटर नहीं दे रहे, यानी रियाद में खासकर सिटी में, कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरब आके रियाद है ठीक है, ये राइट साइड में यमीन जा रहे या ऐसा जा रहा, अगर सिग्नल नहीं दे रहे या इशारा नहीं दे रहे तो इस चीज के लिए 300 रियाल फाइन मार रहा भाई। देख दिखा के जो कोई भी सऊदी अरब में गाड़ी चला रहा, जो हाउस ड्राइविंग में बहुत लोग हैं, उन लोगों का स्पेशल वीडियो है, जो कोई भी नया आने वाला है उन लोगों के लिए भी एक सबक है ये ठीक है। जो येलो लाइन होता है, जो लाइन पट्टा जो रहता ना, वो लाइन पे जो है अभी इंडिकेटर देके ही जाना पड़ रहा, ये सिस्टम बना दिया अभी, थोड़ा बहुत देख दिखा के चलाओ मुखलफा आ रहा है इस चीज का ठीक है, मुश्किल है भाई अभी, अभी बहुत मुश्किल है। और एक बात बताता हूँ कि अभी देखो मैं ड्यूटी का क्यों वीडियो नहीं बनाया, आज बहुत ड्यूटी था, खाने का टाइम थोड़ा ही मिला, खाने का टाइम मिला आज एकदम, बहुत काम था समझो, मतलब के लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना था और मोबाइल टू मोबाइल चेंज करना था, इसका डेटा उसमें ट्रांसफर करना था, दिमाग खराब हो गया आज तो, सोया भी नहीं आज दोपहर, और गए से तबीयत भी सही नहीं है आज मेरी इस वजह से ठीक है, दोपहर में सोया भी नहीं समझो, टाइम भी नहीं मिला, इस वजह से जो है थोड़ा बहुत बेल्ट लगा के भी चलो, जो कोई भी सऊदी में आना चाह रहा बगैर बेल्ट मत जाओ, सऊदी अरब में आना चाह रहा बगैर बेल्ट लगे मत जाओ, सीट बेल्ट जो है ध्यान से ख्याल रख के चलाओ ठीक है। चलो मैं अभी जा रहा हूँ शवरमा लेके आने के लिए, अब्दुल अजीज रोड पे हूँ, जो नॉर्मल रोड जाता हूँ मैं, जो नया वॉच कर रहा हूँ उन लोगों को ये नया वीडियो रहेगा ठीक है। गाइस देख लो जो नया मेरा वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, इस चीज के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई,
ठंडी का मौसम भी बहुत ठंडी है रियाद में फिलहाल अभी। क्या खतरनाक सिग्नल है ये, आप लोगों को आगे बताता हूँ, रुको भाई। जो कोई भी आना चाह रहा देख लो, येलो लाइन पे जाओ, उससे पहले ही राइट गया। देखो ऊपर एक कैमरा गया, यहाँ पे देखो राइट नहीं जा सकते, लेफ्ट नहीं जा सकते, बस सीधा जा सकते। अरे अरे ये 3000 इशारे का, ये देखो अभी मार दिया ये, अगर चले जाता तो मेरे को 3000 मुखलफा आता इस चीज के लिए। येलो लाइन पे यहाँ पे 3000 रियाल बोले तो कितना होता लगा लो इंडिया का पैसा, बहुत महंगा है। ये जो नजर आ रहा देखो, ये यहाँ पे देखो, ये जो पुल जो नजर आ रहा, ये आके कैमरा है, बहुत खतरनाक रोड है इधर का। ये पता नहीं चलता कि कौन सी जगह कैसे जाना, मालूम नहीं पड़ता, मुश्किल है अब्दुल अजीज रोड में। कैमरा देख लो ऐसे, ये पूरा जो भी है कैमरा गया इधर पे अब्दुल अजीज रोड में। ये सिटी डब्ल्यू है, सिटी डब्ल्यू, डब्ल्यू सिटी बोलते हैं बहुत लोग जो है अब्दुल अजीज में, डब्ल्यू सिटी के पास में बोलते हैं सऊदी अरब में, रियाद में जो कोई भी काम करता है। डब्ल्यू सिटी नहीं, सिटी डब्ल्यू है, देखो लो क्लियर से देख लो वो राइट साइड में। बहुत खतरनाक रोड है भाई, ये मालूम नहीं पड़ता ये एसआर कहाँ है, ये मेन कहाँ है, कुछ नहीं समझ में आता। देख लो गाइस, जो कोई भी आके सऊदी अरब में काम करना चाह रहा, देखो गलियां इधर के ऐसे रहते हैं, ठीक है देख लो, कुछ भी ट्रैफिक व्रैफिक कुछ नहीं रहता, रोड पे ट्रैफिक रहती, गलियां में कुछ भी ट्रैफिक नहीं, आराम से बेहतरीन से फर्स्ट क्लास गाड़ी चला ले सकते, कुछ भी टेंशन नहीं, और गाड़ी आके ऑटोमेटिक रहेगा, 99% ऑटोमेटिक रहेगा, 1% कोई कोई आदमी गियर का देता, बाकी का पूरे ऑटोमेटिक ही रहेगा गाड़ी। कोई पार्किंग से निकाला, चलो जल्दी फास्ट में लगा देंगे। इधर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है गाइस, फिलहाल पार्किंग के लिए बहुत मसला है। इधर ही मिल गया था मेरे को पार्किंग, उधर ही लगाना था। देखो चलो वैसे मैं मिलता हूँ आप लोगों को, अभी मैं जो है शवरमा लेने के लिए आया था, शवरमा लेने जा रहा हूँ। चलो गाइस शवरमा देखो ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दोपहर का खाना होटल में हो गया, शाम का ये हो गया, क्योंकि आज रूम में बनाने के लिए टाइम नहीं था, मोबाइल का डेटा ट्रांसफर करना था, बहुत काम था, ड्यूटी बहुत थी आज। मेन बात माइनस पॉइंट क्या है बोले तो आज खतरनाक ड्यूटी थी, इस वजह से जो है नहीं हुआ आज, ना खाना बनाया ना कुछ सामान लाया, दिमाग भी बहुत अजीब, सोया भी नहीं, बगैर सोया आज काम किया, डेटा पूरा ट्रांसफर किया, मेरा डेटा बहुत है। इंशाल्लाह वो मोबाइल देने के लिए जाना अली के पास, देखता हूँ यासर अगर हो गए तो यासर को साथ में लेके जाएंगे, यासर की कार में जो है, वो पाकिस्तानी रहता है यासर, ठीक है उसकी कार में जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आगे यासर के पास, देखते रहो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। गाइस हमारे पाकिस्तानी यासिर के साथ जो है गंजा पूरा बाल उड़ गया, पूरा बाल उड़ गया, गंजा हो गया आदमी है। अभी हम लोग आए थे वो अली के पास, मोबाइल देना था हॉनर का मेरा, वो दे दिया है अभी वापस है। कौन है हमारा यार दोस्त है क्या तुम्हारा? ये हमारा दोस्त नहीं है, हमारा जो है हमारा यासिर है। इतना स्पीड चला था गाड़ी सऊदी में, कुछ बोल नहीं सकते, उतना स्पीड चला था, चैन कटिंग ही मारता पूरा। क्या कर रहे यार, ये लोगों का साथ ऐसे ही चलना पड़ता है, थोड़ा सा डीले हो जाएगा ये लोग घुसते हैं अंदर। हाँ जैसे ये हमारा क्या खाया, खाना तो खाया, क्या खाना तो उधर दोस्त के पास गया था, ब्रोस्ट नहीं ब्रोस्ट खिलाया उसने अलबेक वाला। हाँ वो पाकिस्तान, ये हमारा यासिर जो है ये फूड डिलीवरी का काम भी करता है, ये गाड़ी में ड्राइवर का काम भी करता और फूड डिलीवरी का काम भी करता, मतलब आज नहीं कर रहा, मतलब 2-3 दिन से। कितने गाड़ियों का पगार कितनी है हाउस ड्राइविंग में? ये भी एक हाउस ड्राइवर ही है यासिर, साफ जो तनख्वाह दे 1500 बचते है, इसमें खाना पीना नहीं है। हाँ और खाना पीने का साथ 1800 है, 1800 300 खाने का देते हैं, यानी एक कुल मिला के एक जैसा होता है। हाँ खाना तुम बाहर से खाओ या वो दे दे, एक जैसा होता है, दोनों सेम ही पड़ता है। अच्छा बाकी मैं जो फूड डिलीवरी करता हूँ ये अपना खर्चे की देखा, तो जो मोबाइल का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा एक्स्ट्रा, कम अज कम 30-40 रियाल आता है अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 घंटे में 50 रियाल कैसे भी मिल जाता यासिर को डेली का फूड डिलीवरी में। एक्स्ट्रा गाड़ी दिया कफील घूमने फिरने, कफील अच्छा है, मुश्किल नहीं, पहले कंपनी में था यासिर, अच्छा खासा पगार था। डाइना डाइना ड्राइवर है ये, डाइना का
ये आदमी डैना जैसा है, थोड़ा मोटा ताजा आदमी है। हाँ कुर्बानी कर नया के साथ सही है ना, पूरा बड़ा बेंस है। गाइस अभी हम लोग आए थे मोबाइल देने के लिए, मोबाइल दे के जो है अभी जा रहे वापस रूम पे। और जो कोई भी देखता मेरा चैनल जो है पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया भाई आप लोग जो मैसेज कमेंट करते हैं। अभी यासिर की जो हमारे थोड़ा वो ड्राइविंग भी बताता हूँ, बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर ये। क्या बोलेगा जो भी आते हैं ड्राइवरी में से भाई, आप नारेक्स पे आओ, किसी का भरोसा ना हो इधर। सही बात, किसी का भरोसा इधर ना जीना, क्योंकि इधर किसी का परवाह नहीं करते। कोई किसी का नहीं होता इधर, बाप बैठे का परवाह नहीं करते, बैठे बाप का परवाह नहीं करते, क्योंकि इधर पूरा पैसा है। और पैसा जो होता है ना हाथ में सब कुछ होता है। बराबर, इधर किसी का भरोसा नहीं आओ, बस ये बात सीखो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आप ना रिक्स पे आओ, अगर खुद के ऊपर भरोसा है तो आके काम करो। क्या ऐसे? बिल्कुल सही बात है, तुम मेहनत करके कमा सकते हैं, तुम्हारे को खुद हिम्मत रहना। मैं हार नहीं मानता, कोई भी तकलीफ रही तो मैं भागता नहीं, इधर से इधर ही रहूंगा, काम करूंगा, बोले तो आ सकते। क्या ऐसे? बिल्कुल, ये कंफर्म है, क्योंकि तुम किसी को भरोसा आएगा वो आपको टाइम नहीं देगा। बराबर, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं इधर आया मेरे को किसी ने टाइम नहीं दिया, बाकी छोड़ो। जब मेरे का हाथ में लाइसेंस आ गया ना, फिर जो है ना मैं अपना रिक्स पे गाड़ी चला रहा था। लोग बहुत लोगों ने गिराने में कोशिश किया, लेकिन ना गिरा, अल्लाह ने बचाया। बस नियत साफ रही तो अल्लाह कैसे भी, नियत साफ है इधर, नियत साफ, दिल साफ, बस यही अच्छा ही करो, बुराई किसी साथ नहीं करो। बराबर, ये बात ध्यान में याद रख के चलो सब लोग, जो कोई भी मेरा वीडियो देखता है, ठीक है। यासिर है, दो दो तीन दिन काम करता भाई, मैडम का ड्यूटी करता और कपिल का बेटे का ड्यूटी करता, उसका बेटियों का, हाँ बेटियों का दो दो तीन दिन काम करता। ये सब लोग बात सुनाना, ये सऊदी का काम होते हैं, लेकिन सऊदी में बहुत कम लोगों को अच्छा घर मिलता। कम तकरीबन 70% लोग जो है सऊदी अरब में ड्राइवरिंग में जो आ रहे थे, सब लोग परेशानी है। क्या ऐसे सब बात है? ये पर हमारा जो बाल उड़ गया है ना, कसम खुदा के ये घर में जब आया मैंने, ये बाल खराब हो गया हमारा। परसों मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा बेटे के साथ, मेरा बेटा बोले ये कौन है, वो पहचानता भी नहीं था, क्योंकि बाल नहीं है ना, बाल ही नहीं है। बाकी जो है ना हमारा ऐसा बाल था, मैं आपको तस्वीर दिखाएगा, ऐसे ही बाल था हमारा, ये टेंशन का वजह से, टेंशन की वजह से बाल निकल गया। देखो खुद का जो पैदा किया सो बेटा, ये कौन है करके पूछ रहा था वीडियो कॉल पे, ये कौन है। और बाकी जो है ना फूड डिलीवरी भी आते हैं, कोई क्या काम पे आते हैं, लेकिन अपना रिक्शा पे आओ, अपनी रिक्शा अपनी हिम्मत में आओ भाई, जो कोई जाना अपने हिम्मत में आओ, नहीं तो मावरना ना हो इधर सऊदी अरब। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही ना, अपना दिमाग जो है ना, अपना दिमाग रखो, ये नहीं दूसरा दिमाग से चलेगा, ऐसा नहीं मैं आऊंगा मेरे को दूसरा आदमी काम ढूंढ के देगा, ना ना इधर कोई किसी का टाइम नहीं देते। जैसा क्यामत हो ना, एक दूसरे से भागते हैं, एक इधर वही है सऊदी में, पैसा है ना, इस वजह से भागता है एक दूसरे से। आपको तो पता है मेरा भाई वो किधर मैं किधर। क्या खूबसूरत है अली, ये घर देखो गाइस, दिखाता हूं, ये देखो गाइस वेडिंग हॉल कहते हैं, गसर बोलते कहते हैं इसको अरबी में, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये अमीर को गसर है, शादी हॉल जो बोलते हैं। कैमरा ये देखो, हम लोग अभी निकल गए, हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने रूम के लिए। शीशा थोड़ा गंदा है, हाँ शीशा थोड़ा गंदा है। ये हमारा माड़ा जो है, ये आसिर साफ सफाई जो है, ये बस टाइम पास के लिए गाड़ी है, इधर उधर घूमने के लिए गाड़ी दिया कपिल ये, ठीक है हमारा गाड़ी है, हाँ खुद का गाड़ी है, जैसा आराम से किधर भी लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं, दबा के चलता गाड़ी, आदमी किसी को टेंशन ही नहीं लेता। एक बार अभी अंधेरा आ गया, यानी लाइट नहीं दिख रहा, तो मैं मिलता हूँ थोड़ा आगे। गाइस हम लोग तो आ गए अभी फिलहाल यासिर के साथ, ये एक टिश्यू भी दिया लेके आके, वो टिश्यू लेके आके देता मेरे को कभी भी, उसका अबू खास जो चावल है कंपनी, ये इनके कपिल का ही, तो मेरे को अबू खास का जो चावल है सब जगह जितने भी 80 90 कभी 70 रहता ना, तो हमारे को पड़ता 50 रियाल बस, क्योंकि ये कंपनी में ही जाता, जब ये हफ्ते में एक बार जाता, जब चाहिए तो लेके आके दे देता, फेरी हो गया ये हो गया लेके आके देता, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर यासिर को बोल दिया तो काम हो जाता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे जो है 40-50 रियाल बच जाता और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो आज का जो है गाइस रूटीन का वीडियो बनाया, और कुछ भी नहीं, और ध्यान से देख के चलाओ गाड़ी, जो कोई भी सऊदी अरब से देखता ख्याल रख के चलाओ, क्योंकि बहुत सारे सिविल ड्रेस में घूम रहे पुलिस वाले लोग, और फोटो बहुत सारे मार रहे मुखलपा, 300 रियाल बोले तो बहुत बड़ा पैसा है इंडिया का, ठीक है। तो इस चीज़ में ध्यान रख के चलाओ गाइस, जो कोई भी देखता मेरे वीडियो,
आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है अरब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अरब ब्लॉग्स ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो करना। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट नए व्लॉग में, अगले नए व्लॉग में। ठीक है, टेक केयर, बाय, मा सलामा।